हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे अच्छे होंगे। तो इसमें पता नहीं मैंने वॉइस की थी और क्या हो गया, इसमें आवाज़ ही नहीं आई एकदम में। तो पता नहीं कैसे हो गया, क्लिप भी वैसी बन गई और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं तो अभी डिनर का टाइम था और मम्मी बना रहे थे चूरमा, तो मम्मी हॉल में बैठे हुए थे और मैं इधर किचन में खाना बना रही थी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो ये देखिए मौसम कितना मस्त वाला हो रहा है। सुबह के 10 बज चुके थे और मौसम बड़ा मस्त हो रहा था बाहर। बालकनी आज मैंने वॉश नहीं की, बस मतलब भूल गई थी, कर याद ही नहीं रहा। मतलब शाम को तो की थी क्योंकि शाम को बारिश आई थी तो उस टाइम कर दी थी। अभी करूँगी मैं, बालकनी नहीं की वॉश। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ, चाय पियेंगे अभी फिर करेंगे। और इधर मेरी चाय है वो बन रही है। और इधर मैंने पापड़ सेक लिया है मम्मी के लिए। मैं पापड़ नहीं खाऊँगी, मम्मी खाएँगे, मम्मी के लिए सेका है। तो ये चाय बन गई है और चाय का पतीला मेरा यही दिखेगा आपको, बिना डंडी वाला, क्योंकि इंडक्शन पे यही चलता है। बर्तन है वो मेरे क्लीन हो चुके थे। और ये सुमित बैठा है, देखो क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। मतलब इसके स्टिकर आए थे, इसने एयरफोन मंगाया था उसमें, तो ये अपने फ़ोन पे चिपका रहा है। मैं पास बैठी बैठी इसको बोल रही थी, बेटा मत चिपका मत चिपका, ये फ़ोन के इसका कवर का अच्छा नहीं लगता। बट इसको ये छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें ही अच्छी लगती है। बड़ा हो गया पर इसकी हरकतें बहुत जवाली है। और अभी नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। तो ये रात को मैंने वाइट चावल मंगाए तो वो कुछ बच गए, तो अभी उनको तड़का लगाएंगे। प्याज वो मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं और चावल उनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अभी इंडक्शन पे मैंने कढ़ाई है वो रख दी है और अभी इनको तड़का लगाएंगे। और बस ये क्लिप मैंने शॉर्ट डाली थी तो उसके लिए बनाई थी, तो वो उसी में ऐड हो गई है। अभी कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल वो गर्म हो जाएगा तब इसमें प्याज डाल देंगे। और कुछ नहीं डाला था, बस मैंने प्याज ही डाले थे। और मैं पोहा और जैसे चावल वगैरह बनाते ना, इनमें लंबे लंबे कटिंग किए हुए ये प्याज अच्छे लगते हैं मुझे, ज़्यादा बारीक वाले नहीं काटती। और इसमें नमक गायब था मसालदानी से, तो अभी मैजिक से आ गया नमक, नमक डाल दिया है। और इसमें मैं ऑयल रखने लगी, पहले वाला मैंने हटा दिया है। तो अभी ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैंने जीरा और राई का तड़का लगा दिया है। जीरा और राई मिक्स कर रखे हैं मैंने तड़के के लिए। तो अभी प्याज इसमें डाल दिए हैं और बड़े टेस्टी बने थे मैंने तो। तो अभी प्याज है वो मैंने डाल दिए हैं और अभी प्याज को हल्का हल्का वो करेंगे, सेकेंगे। और मेरे याद ही नहीं, चम्मच निकाली नहीं और तड़का लगा दिया। अभी इस थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएंगे ना, उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे और फिर डायरेक्ट चावल डाल के इनको बंद कर देंगे। और अच्छे लगते हैं, अच्छा ना फेंकने से अच्छा अच्छा है उसका कुछ और, मतलब खा अपना पेट में चला जाए वो सही है। और रात को मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना लिए, मैं सोची सब खाएँगे बट सब ने नहीं खाया। तो अभी सीख चुके हैं मसाले, वो ऐड कर देते हैं नमक मिर्ची हल्दी और अमचूर पाउडर। बस यही जो सिंपल से अपन सब्जी में डालते हैं वही मसाले डाले थे, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। और सोचते कुछ हैं कि मैं सोचा था संडे है, संडे को कुछ अपना सूट वगैरह सिलाई करूँगी, बट पूरा संडे ऐसे ही चला गया बर्बाद ही, कुछ सिलाई विलाई नहीं हुई। एक फ़ैन था लगाने का, वो फ़ैन लेके आए थे, मतलब पहले पुराना वाला था, वो लगा के देखा वो चला नहीं, तो फिर उसको लगाया उतारा, मतलब पूरा दिन बस ऐसे ही ख़राब चला गया, कुछ काम नहीं होते। पहले से सोचने ही नहीं चाहिए क्या करना है क्या। तो अभी मैंने चावल है वो मिक्स कर दिए हैं और ये देखिए, मतलब हर लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली थी। तो चावल बन के रेडी हो गए हैं, अभी इंडक्शन को बंद कर देंगे। मैंने डाल के मिक्स कर दिया है और अभी इसमें डालेंगे नींबू। और नींबू बड़े अच्छे बड़े बड़े आ रहे थे, कल ही लेके आई थी मैं सब्जी तो उसी में लेके आई थी। तो अभी इसमें मैं चम्मच में डालूंगी सारा, क्योंकि रस जो भी बीज होंगे वो चम्मच में निकल जाएंगे। एक दो ऊपर भी गिर गए थे इसमें, फिर मैंने निकाल दिए थे वो भी हाथ से, और इसके भी निकाल दिए थे। तो ये देखिए, और नींबू डालने के बाद इन इसका टेस्ट और भी बढ़िया होगा। वैसे मैं खाती हूँ सॉस डाल के, मुझे सॉस डाल के अच्छे लगते हैं, चावल में भी और उसमें पोहे बनाती हूँ उसमें भी टमेटो सॉस डाल लेती हूँ। और इसमें एक दो बीज हैं तो वही देख रही थी मैं, वो एक दो नीचे इसमें गिर भी गए थे, फिर मैंने निकाल के उनको बाहर डाल दिए थे वॉश बेसन में। तो ये देखिए चावल बन के हो गए हैं, पुलाव चावल खिचड़ी जो भी जहाँ भी बोलते हैं वो बन गई है। आप लोग भी आजिए खाने के लिए।
अभी इनको खाएंगे। तो ये देखिए, ये आगे वाले हॉल जो ड्राइंग रूम है उसमें फ़ैन लगाया था, आज ये न्यू लेके आए हैं फ़ैन, पहले वाला फ़ैन था वो नहीं चला। और ये देखो कैसे सारे घर में मतलब बखेरा बिखर रहा है, पूरी चारपाई पे चाबी प्लास पेचकस सारे पड़े हुए हैं। और ये बाहर नीचे डोर की वो ब्रश लगा रहे थे, और 12 बज चुके थे, संडे का टाइम था, कुछ काम नहीं हुआ आज। मैं सोच के कुछ और चली थी और बना कुछ भी नहीं। और एक लगाई है गेटों के पीछे ब्रश, जैसे मक्खी मच्छर या फिर छिपकली कुछ भी नहीं इसमें घुसती है, तो ये लेके आए थे। तो दोनों काम किए आज, बस पूरा दिन इसी में लग गया, दोनों गेटों के मतलब चारों गेटों के लगा दिए आगे पीछे। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।